हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इंफोटेक चैनल। दोस्तों, यह एमएस पेंट का पार्ट 7 वीडियो है। इसके पहले हमने पार्ट 6 वीडियो में बताया था फ्रॉम स्कैनर और कैमरा का उपयोग करके प्रिंटर के द्वारा किसी भी हार्ड कॉपी को स्कैन करके उसे सॉफ्ट कॉपी में कैसे बदलें, या इच्छा अनुसार फोटो और साइन को कैसे स्कैन करें अपने कंप्यूटर में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कलर इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करना तथा करंट में बनाए गए इमेज या किसी भी इमेज को पेंट के माध्यम से डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के रूप में कैसे सेव करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगला विकल्प हमारा आता है सेंड इन ईमेल। आप जो अभी डॉक्यूमेंट बनाए हैं या किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं डायरेक्ट, तो सेंड इन ईमेल को क्लिक करें। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, यदि आपके कंप्यूटर के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोग्राम की सेटिंग की गई होगी तो ऑटोमेटिक ही आउटलुक का प्रोग्राम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा। तो टू के अंतर्गत उस व्यक्ति का नाम टाइप करें जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं। तो इंटरनेट और कंप्यूटर की दुनिया में किसी व्यक्ति की पहचान उसके ईमेल आईडी से होती है। तो उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे या ईमेल आईडी टाइप कर दें और यहाँ पे सब्जेक्ट पे जो सब्जेक्ट देना चाहते हैं, किससे संबंधित यह इमेज है, वह यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप कर दें और सेंड को क्लिक कर दें। हो सकता है दोस्तों कि यह आपके कंप्यूटर में न आए, तो ऊपर कॉर्नर में देखें आई बटन में कुछ टेक्स्ट सजेस्टेड हो रहा है जहां पर मैंने बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंतर्गत अपने जीमेल को कैसे अटैच करते हैं जिससे कि यह विकल्प काम करने लगे और आप ऑफलाइन मेल कैसे किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं या पेंट में बनाए गए इमेज को डायरेक्टली बिना इंटरनेट ओपन किए और बिना जीमेल को लॉगिन किए हुए किसी को मेल कैसे भेज सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सेंड को हम क्लिक कर दे रहे हैं, उस व्यक्ति को यह मेल प्राप्त हो जाएगा। पेंट बटन के अंतर्गत अगला विकल्प हमारा आता है सेट एज बैकग्राउंड, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कंप्यूटर स्क्रीन पर जो सबसे पहला जो स्क्रीन खुलकर आता है जिसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, तो उस डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड के रूप में इसे सेव करना चाहते हैं। सेट एज बैकग्राउंड के अंतर्गत देखें तो तीन ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहला विकल्प आ रहा है फिल, दूसरा विकल्प आ रहा है टाइल और तीसरा विकल्प आ रहा है सेंटर। तो दोस्तों, इन तीनों विकल्प को समझने से पहले एक बात और समझ लीजिए। यदि इन तीनों का हम अभी उपयोग करके दिखाते हैं तो शायद ही आपको समझ में आए। तो इसे बेहतरीन रूप से समझने के लिए सबसे पहले आप अपने इमेज की साइज को छोटा कर लें। तो देखें, यहाँ कॉर्नर में आए और इस इमेज को थोड़ा सा रिसाइज कर लें। बाहरी हिस्से को हमने हटा दिया और अपने इमेज को इतना ही रखा। अब चलते हैं अपने पेंट बटन में और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के अंतर्गत हम सबसे पहला विकल्प का उपयोग कर रहे हैं फिल। जैसे ही फिल को क्लिक करते हैं तो सेंटर में एक संदेश खुलकर आएगा कि यदि आपने अपने इमेज को सेव नहीं किया है तो इसे बैकग्राउंड के रूप में सेट करने के लिए सेव करना अनिवार्य है, और यदि पहले से सेव कर चुके हैं तो यह बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। लेकिन सेट करने से पहले मैं बैकग्राउंड को आपको दिखा दूं। देखें हमारे डेस्कटॉप पर कि यहाँ पर विंडोज 7 का लोगो नजर आ रहा है और बैकग्राउंड ब्लू कलर में नजर आ रहा है, यहीं पर वह इमेज सेट होने वाला है। चलिए पुनः पेंट में चलते हैं और सेट एज बैकग्राउंड के अंतर्गत फिल को क्लिक करते हैं। जैसे हमने इसे क्लिक किया तो देखें, यू मस्ट सेव द फाइल बिफोर चूजिंग इट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में पसंद करने से पहले जरूरी है कि इस फाइल को सेव कर लें। तो यहाँ पर ओके करें। जैसे ही हमने ओके किया और इसे मिनिमाइज करके देखें तो यह आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर सेव हो चुका है और बैकग्राउंड के रूप में यह सेट हो चुका है। देखें तो यह पूरे स्क्रीन पर भरा भरा नजर आ रहा है। फिल का मतलब हुआ है भरा हुआ। पुनः चलते हैं अपने पेंट प्रोग्राम में और इसके अंतर्गत फिर से देखते हैं दूसरा विकल्प आ रहा है टाइल। टाइल छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आप देखे होंगे घर में या दीवार पे टाइल्स लगा होता है। टाइल्स लगा देते जाते हैं और कॉर्नर में देखते हैं अक्सर कि जगह कम पड़ जाती है तो टाइल्स को कट करके लगाया जाता है, यानी कि उसे थोड़ा सा साइड से कट करके और जगह जितना रहता है उतना ही एडजस्ट करते हैं। तो ठीक उसी तरह यह टाइल्स के रूप में बैकग्राउंड में यह सेट करता है। चलिए अब टाइल्स को क्लिक करके देखते हैं और मिनिमाइज करके देखते हैं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इमेज सुरक्षित हुआ है, फिर दूसरी जगह देखें तो यहाँ सेट हुआ है, फिर तीसरी जगह देखें सेट हुआ है, और यहाँ पे जगह कम पड़ने की दशा में देखें वहाँ थोड़ा सा भाग नजर आ रहा है जो कि बिल्कुल ही टाइल्स के रूप में आपको नजर आ रहा है। पुनः पेंट के अंतर्गत चलते हैं और सेट है डेस्कटॉप बैकग्राउंड के अंतर्गत आखिरी विकल्प होता है सेंटर।
आप अपने इमेज को मिडल में यानी कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बिल्कुल ही मिडल में सेट करना चाहते हैं तो सेंटर बटन का उपयोग करते हैं। चलिए देखिए, देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से बैकग्राउंड को छोड़कर जो वास्तविक थी इमेज की उसे पूरे स्क्रीन के मिडल में सेट कर दिया गया है। तो पेंट है ना कमाल का, पेंट के अंतर्गत आप कुछ भी बनाकर, कुछ भी डिजाइन, कुछ भी नाम टाइप कर आप उसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में सेट कर सकते हैं। पुनः पेंट के अंतर्गत चलते हैं। पेंट बटन के अंतर्गत अगला विकल्प होता है हमारा प्रॉपर्टीज। जैसे ही हम प्रॉपर्टीज को क्लिक करते हैं तो इमेज प्रॉपर्टीज नाम से एक छोटा सा विंडो खुलकर आता है जिसके अंतर्गत जो हमने इमेज बनाया है उसकी साइज और उसके कलर को दिखाया जाता है, जिसमें सबसे पहला देखें यहाँ पे तो दिख रहा है फाइल एट्रीब्यूट्स, इस फाइल की विशेषताएं। तो लास्ट सेव, आपने लास्ट टाइम में इसे कब सेव किया था, तो आज मैंने 19/2/2020 को 3:59 PM में सेट किया था। अभी टाइम देखें तो 4:01 हो रहा है। इससे आप पता कर सकते हैं कि किसी इमेज पर कार्य करने के दौरान कब उसे सेव किया गया था। जस्ट वहां पे देखें साइज ऑन डिस्क, कंप्यूटर के अंतर्गत यह कितना स्थान घेर रहा है, तो 14.9 KB की यह फाइल है। और रेजुलेशन देखें तो 96 DPI, DPI का अर्थ है डॉट पर इंच, यानी कि 1 इंच में 96 डॉट का उपयोग किया गया है। DPI पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं यूनिट्स, इस इमेज को किस इकाई में आप मापना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखें रेडियो बटन का उपयोग किया गया है जिसमें पिक्सल में दिखाया जा रहा है। तो इमेज का विड्थ दिख रहा है विड्थ 413 पिक्सल और हाइट दिख रहा है 293 पिक्सल। यहाँ पर देखें तो हमारा जो माउस पॉइंटर दिख रहा है और जिस तरफ यह मूव कर रहा है, यहाँ से लेकर और जहाँ रुक रहा है यहाँ तक एक एक डॉट को देखा जाए तो 413 डॉट बने हुए हैं, और वहीं पर अप से डाउन की तरफ आए तो इसमें 293 डॉट का उपयोग किया गया है एक लाइन को बनाने के लिए। आप चाहें तो इसे डिफॉल्ट रूप में सेट कर सकते हैं जो कि पेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ऑटोमेटिक ही साइज बनी रहती है। इसमें आप यूनिट्स को चेंज करना चाहते हैं, इसी को सेंटीमीटर में आप बदलना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में देख सकते हैं, और वहीं पर इंच में चाहें तो इंचेज में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इमेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ यह देखने के तरीकों में परिवर्तन होगा। अब दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे कलर्स नजर आ रहा है, आपका इमेज नजर आ रहा है कलर्स में। आप चाहें तो इसे ब्लैक एंड व्हाइट में भी परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पेंट के अंतर्गत किसी भी इमेज को जब आपने कलर में बनाया हो और एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में चले गए तो वापस कलर में नहीं जा सकते। तो चलिए चेक कर लेते हैं, हमने ब्लैक एंड व्हाइट रेडियो बटन को ऑन किया और ओके किया। जैसे ओके करते हैं बीच में एक संदेश आता है, कन्वर्टिंग टू ब्लैक एंड व्हाइट कैन नॉट बी अनडन, यानी कि इसे पुनः वापस डन नहीं कर सकते पुरानी अवस्था में। दिस एक्शन अफेक्ट द करंट फाइल एंड में के सेम लॉस ऑफ कलर इन्फॉर्मेशन, जो भी कलर को आपने इसमें बनाया हुआ है उसमें पुनः आप वापस नहीं जा सकते किसी भी केस में, किसी भी सूरत में। डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, क्या यह सब जानने के बाद भी आप चाहते हैं कि हम आगे जारी रखें, जी तो ओके को क्लिक कर दे। जैसे ही ओके करते हैं देखिए हमारा इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में बदल चुका है, और यहाँ पे कलर में आके देखें तो कलर भी ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है। इस अवस्था में यदि आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि क्या हम एडिट कलर के नया कलर बना सकते हैं, जी बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन याद रखें ये अभी कलर आपका ब्लैक एंड व्हाइट में ही प्रदर्शित होगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पुनः पेंट बटन में चलते हैं और अगला हमारा विकल्प आता है अबाउट पेंट, पेंट के बारे में। यदि पेंट के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप अबाउट पेंट को क्लिक करके आके आप यहां पढ़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के द्वारा बनाया गया है, वर्जन 6.1 है और बिल्ड 7601 सर्विस पैक 1 विंडोज 7 के अंतर्गत यह इनेबल्ड है। कब बना था तो कॉपीराइट रजिस्टर्ड है 2009 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के पास। ओके कर दें। अगला विकल्प हमारा आता है एग्जिट, आप पेंट विंडो को यहाँ से बंद कर सकते हैं। अभी जो हमने ये बनाया हुआ था तो क्या आप इसमें पुनः परिवर्तन करना चाहते हैं तो सेव को क्लिक करें, नहीं करना चाहते तो डोंट सेव को क्लिक कर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।